बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होएगी आपके यहाँ पर सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने सामान में रखे, और जो मेरे चैनल में नए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और आज मेरी वाइफ आप लोग के साथ शेयर करने जा रही है जो माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। इसे पत्ता गोभी भी कहते हैं और इसे बंद गोभी भी कहते हैं। और बंद गोभी की रेसिपी है जो माशाल्लाह से चिकन के साथ बनाई है हमने, और बहुत ही टेस्टी बनी हुई और बहुत ही लाजवाब बनी हुई है। और उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, और वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, और हमें कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कैसे लगे। चलें इसे कैसे तैयार किया है मेरी वाइफ ने वो पूरी आपके साथ शेयर करेंगे। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट करते हुए। अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग के यहाँ सब ठीक ठाक होंगे, सब कैसे होंगे। आज हम लोग बना रहे बंद गोभी और चिकन जो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने 1 किलो गोभी ली थी बंद गोभी, जिसको मैंने अच्छे से कटिंग कर लिए। और सबसे पहले हम इसको बॉयल करेंगे और साथ साथ हम मसाला भी बनाएंगे। देखिए मैंने, और ये चिकन ली थी, इसको मैंने अच्छे से कटिंग कर ली, छोटे छोटे इसके मैंने पीसेस बना लिए। और मैंने 2 टमाटर लिए थे बड़े, उसको मैंने कटिंग कर ली। और 2 ही मैंने प्याज लिए थे बड़े, वो भी मैंने कटिंग कर ली। और 5 मैंने सब्ज़ मिर्ची दिए, और ये मसाला है। बाकी मैं मसाले ऐड करती जाऊँगी, आप लोग को साथ साथ बताती जाऊँगी। चले हम बनाने की तरफ चलते हैं। देखिए मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी गोभी के अंदर। सबसे पहले हम गोभी को बॉयल कर लेंगे अच्छे से। अगर हम इसको बॉयल नहीं करेंगे तो हम ऐसे डालेंगे तो ये मीठी होती है। बॉयल करके डालेंगे, इसका पानी हम छान लेंगे, और साथ में मसाला भी बनाते हैं आपको बताते हैं। देखिए मैंने 1 कप ऑयल लिया था, इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी फिर मैं आपको बात साथ साथ बताती जाऊँगी। देखिए ऑयल गर्म हो गया, मैं इसके अंदर सबसे पहले प्याज ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बहुत अच्छे से गर्म हो गया, और इसको अच्छे से हम ब्राउन कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, और जैसे मैं मसाले और सब चीज़ें ऐड करती जाऊँगी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। देखिए हमारी गोभी भी बहुत अच्छे से बॉयल हो गई, इसको मैंने बॉयल कर लिया है। देखिए अभी इसको मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट और बॉयल दूँगी, उसके बाद हम इसको छान लेंगे। और साथ में हमारे प्याज भी, मसाला भी भुनने वाला है। प्याज मैंने इसको कर लिया था, इसको हम अच्छे से सब निकाल लेंगे। और देखिए अब बाकी फिर हम इसको मसाले में डाल के अच्छे से इसको हम भून लेंगे। देखिए मेरे प्याज भी अच्छे से ब्राउन होने वाले हैं, उसके बाद हम इसके चिकन ऐड करेंगे। देखिए मेरे प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए, हमें इतने ही ब्राउन करने थे, और मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और साथ में मैं लहसुन भी ऐड कर दूँगी, मैंने लहसुन अच्छे से जब मैंने लहसुन लिया था उसको मैंने कूट लिया था अच्छा सा। देखिए मैंने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से कूट लिया था। अभी मैं इसके अंदर लहसुन ऐड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने छोटा वाला 1 चम्मच लहसुन लिया है, वो ऐड कर देंगे, अच्छे से हम भून लेंगे इसको। चिकन में लहसुन में अच्छे से हम भून लेंगे चिकन को। और मैं इसके अंदर भी मसाले ऐड करती हूँ, नमक मिर्ची सब ऐड करती हूँ, और आपको बताती हूँ इसमें मैं कितना कितना ऐड करी। देखिए नमक तो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं आप लोग, और मैंने 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिए। और मैं इसके अंदर मसाला ऐड कर रही हूँ, आप कोई सा भी मसाला ले सकते हैं। मैंने भी सालन का मसाला लिया है, जो आप लोग को अच्छा लगता हो आप वही ले सकते हैं। देखिए इसको अच्छे से हम भून लेंगे, और मैं इसे भी इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करूँगी मैं इसके अंदर। देखें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी, और मैं इसके अंदर मिर्चें भी ऐड करूँगी, कश्मीरी लाल मिर्ची 2 टीस्पून। देखें 1 मैंने ऐड कर दिया, और 1 टीस्पून मैं और ऐड करी। और मैं इसके अंदर 1 टीस्पून हरी मिर्ची ऐड करूँगी, कश्मीरी लाल मिर्ची तेज़ नहीं होती, बस वो सिर्फ कलर के लिए होता है। और मैं इसके अंदर 1 चम्मच नॉर्मल मिर्ची ऐड करी जो हम खाते हैं, ये ऐड कर दी 1 टीस्पून। इसको अच्छे से हम, और मैं इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करूँगी 2 टीस्पून। देखिए मैं 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, और मैं इसको अच्छे से अभी भूनूंगी। और ये मैंने सब्ज़ मिर्ची ली थी 5, वह मैंने आपको बता दिए थे, इसकी मैं डंडी निकाल के ऐड कर दूँगी। देखिए सब्ज़ मिर्ची भी ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर सभी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
देखिए मैंने साबुत ही ऐड किया, इसको मैंने कटिंग नहीं की थी, और जिसके अंदर मैंने लहसुन कूटा है उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी डाल दूँगी इसमें, और उसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर, इसको अच्छे से हम भून लेंगे सबसे पहले मसाले को, क्योंकि मैं इसके थोड़ा पानी ऐड करके और इसको हम पानी पे छीटा मार के और मसाले को भून लेंगे। देखिए मैंने इसके अंदर लहसुन कूटा था वो ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी इसके अंदर, इसको मैंने उगाल के और डाल दिया, कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और जो मैंने गोभी तो मेरी अच्छे से बॉयल हो गई, इसको तो मैं अभी छान लूँगी, उसको हम अब मैं इसके अंदर टमाटर भी ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ, तो माशाल्लाह सब्ज़ धनिया तो बहुत ही अच्छा लगता है, सालन के अंदर धनिया ना हो तो सालन की कोई रौनक भी नहीं होती। देखिए माशाल्लाह अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको अब मैं इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दूँगी साथ में, टमाटर हमारे अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करके उसको 5 से 10 मिनट तक कवर कर दूँगी, जब तक के टमाटर हमारे अच्छे से गल नहीं जाते और मसाला हमारा अच्छा सा भुन नहीं जाता, और चिकन भी अच्छे से गल जाएगी और मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा। देखिए इसको हम अभी कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट तक, मैं इसको कवर कर दूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए इसको मैं अभी कवर कर रही हूँ 5 से 10 मिनट तक, ठीक है, अब फिर मैं आपको बाद में दिखाऊँगी इसका लुक। देखिए इसको चेक करेंगे सालन को, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए माशाल्लाह मसाला तो हमारा बहुत अच्छा सा भुन रहा है, देखिए टमाटर सब भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए, और मैं इसके अंदर अभी कुटी मिर्चियाँ डालना भूल गई थी जो आप लोग के साथ मैं देखे अभी शेयर करी हूँ, और मैं इसके अंदर कुटी मिर्ची ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। इस टाइम हम डाल सकते हैं क्योंकि मसाला भुन रहा है तो मिर्चे भी अच्छे से भुन जाएंगी, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और देखिए मैंने गोभी का तो पानी अच्छे से छान के इसको मैंने निकाल के रख दिया है, और देखिए बहुत अच्छे से गोभी हमारी गल गई, ये देखिए, और बाकी मसाले में भी जो कच्ची होगी वो बाकी मसाले में पक जाएगी। अच्छे से मसाले को अपने भून लेंगे, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मार के इसको फिर मिर्चों को जो अभी मैंने जो ऐड की थी वो अच्छे से भुन जाए, उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी बिल्कुल थोड़ा सा। देखिए मैं 1/2 कप पानी ले रही हूँ वो ऐड कर दूँगी इसमें, ये देखिए ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करके, और इसका पानी जब तक खुश्क नहीं हो जाता है इसको हम पकने देंगे, जो हमने मिर्ची ऐड की थी वो भी अच्छे से भुन जाएगी मसाले में। अभी हम इसको कवर कर देंगे, देखिए मसाले को चेक करेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए इसका पानी सभी खुश्क हो गया है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको अच्छे से हम भून के अब मैं इसके अंदर गोभी ऐड कर दूँगी, हमने गोभी को अच्छे से बॉयल किया था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मैंने इसका बिल्कुल ही पानी छान लिया है, ये ऐड कर देंगे इसमें, बॉयल करने से क्या है जो इसके अंदर मिठास होती है वो नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसको बॉयल किया था, हम तो ऐसे भी डाल सकते हैं तो, लेकिन मीठी होती तो सालन अच्छा नहीं लगता मीठा मीठा। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और इसको अच्छे से हम भून के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए अच्छे से मैं भूनूंगी बिस्मिल्लाह, और माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी सी गोभी बनेगी हमारी सालन, चिकन और गोभी। अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी पकने के लिए, फिर आपको बाद में दिखाऊंगी मैं। देखिए मैं इसके अंदर जो मैंने मसाला रखा था 1 चम्मच मैंने मसाला ऐड कर दिया था, और जो मैंने रखा था वो ऐड कर दूंगी इसको सभी को, इसको अच्छे से भून के उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट, जैसे इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको आपको सर्व करके भी दिखाएंगे। मैं इसके अंदर धनिया भी ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छे से हम भून बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, जो मैंने मसाला ऐड किया वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें, बहुत ही अच्छे से माशाल्लाह चिकन हमारी और ये गोभी, इसको मैं भी कवर कर दूँगी, जैसे इसका पानी खुश्क हो जाए अच्छे से भुन जाए उसके बाद आपको सर्व करके भी दिखाएंगे। देखिए अपने सालन को चेक करेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सा भुन गया, और ऑयल भी आ गया इसके ऊपर,
और देखिए ये बन के रेडी हो गया। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और आपको डिश आउट करके भी दिखा दूँगी। देखिए मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया, माशाल्लाह मसाला बन के रेडी हो गया। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा दिख रहा है, ये देखिए बहुत ही माशाल्लाह लाजवाब बना हुआ है। खुशबू तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। अभी आपको डिश आउट करके भी दिखाते हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी आपके यहाँ पर सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मेरी वाइफ ने आप लोग के साथ शेयर करने जा रही है माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बनी हुई है बंद गोभी और चिकन के साथ जो रेसिपी बनाई है मेरी वाइफ ने माशाल्लाह से, वो बहुत ही VIP बनी हुई है। उम्मीद करते हैं आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अब वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना और हमें कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, फिर मिलेंगे आपको नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।